भी केमिस्ट्री कम मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरी ट्रिक से करो ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में कराई हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होते हैं भाई स्लो रिएक्शन? बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होंगे स्लो रिएक्शन? फिर इन दोज रिएक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज़ डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेट बाय हेसेस लॉ। न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, इसके मैजिकल ट्रिक्स है। आई यू पी एस सी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। वेल देखो भाई, यहाँ पे ओ एच लगा है और एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे और एक इधर भी है। सो इसका ऑप्शन डी था, 2,4-dimethylhexanol। फिर कह रहे हैं कि भाई एक्स डेरिवेटिव द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स। ऑर्थो पैरा और डीएक्टिव एंड सिर्फ हेलोजन होते हैं और यहाँ एक ही हेलोजन दिया है और वो क्या है बी आर। तो भाई ऑफकोर्स रिएक्शन यहाँ पे होगा बी आर। अब आओ भाई, जो हमने बिग थ्री करवाए थे मैंने रिएक्शन के, याद होगा तुम लोगों को? हाँ ये वाले मैंने कहा था पेपर में बहुत आ रहे हैं। देखो PCl5 इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? C2H5ClPOCO3L3। तो ए तो मेरा हो गया C2H5Cl। आगे जब इसको AgNO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई? ये सी करेक्ट होगा, C2H5NO। न्यूमेरिकल था केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ वेट गलत दिया था, 198 था, ठीक है। और देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि दो ब्रोमीन है, वेट 170 हो जाएगा, 85 2s 12 2s 24 और 1 4s, तो 198 इसका आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन की मदद से कर लेंगे। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म वेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी। सो भाई ये तो करेक्टरिस्टिक है, पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड, पाई बॉन्ड मे बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये तो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भैया नन ऑफ अबव होना चाहिए था, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बहुत सारी गलतियाँ हैं इस पेपर में, जैसे कि इसमें भी देखें करेक्ट आंसर इनकी आंसर जो की में था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मोर SO2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। भाई कैसे हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज होने पे तो वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस वाले में भी सारे ऑप्शन। देखिए और बड़ी अच्छी अच्छी MCQs, इस रिएक्शन में कह रहे हैं कि मोड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बाई डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वहाँ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, यानी कि राइट साइड पे तो ये हो जाएगा बी, प्रोडक्ट तो राइट पे ही होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, टोटल हीट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व, ये तो होती है। इनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी होती है। इट इज़ द सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये नहीं होता भाई, तो गलती है ऑप्शन डी में। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 pairs ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेड बिकॉज ऑफ अबव प्रिंसिपल हुंड्स रूल हाइजनबर्ग, तो ये हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन, तो है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ, ये कह रहे हैं कि कौन सा वाला जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सारे एस ब्लॉक के दिए हैं, एस ब्लॉक में सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम क्या होता है, राइट टॉप लेफ्ट बॉटम राइट टॉप की ट्रिक बताई थी। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस व्हाट इज नेट चार्ज, अब देखो इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों, पहले तो हम इन रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। एट एच प्लस MnO4 Fe+2, तो यहाँ से +2 +3 राइट चार्ज पूछा है तो इसमें +5 आ जाएगा ऑन राइट। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट, ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में था।
इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहाँ माइनस वन है और यहाँ प्लस फाइव है, तो दोनों बातें हो रही हैं ना, रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फॉलोइंग इज यार करेक्ट द स्कोर पे कैसे, सोलोबल इन वाटर, बेसिकली विटामिन सी होता है C6H8O6, ईजिली डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन, बिल्कुल जी। इज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, इट हेल्प्स इन हीलिंग द वॉम्स, ऑल ऑफ द अबफ, तो ऑफकोर्स आंसर होगा ऑल ऑफ द अबफ। फिर कह रहे हैं कैटल इज यूज इन द रिएक्शन, यस, ये फॉस्टीन को जो हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से बच्चों, तो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, और ये हमारी बुक का ही रिएक्शन है, कैटलिस्ट की एक अलग से मैंने वीडियो भी दी थी और पढ़ाया तभी था, 2% एथाइल अल्कोहल में नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर रिएक्शन Cl2+H2O HCl+HOCl इज एन एग्जांपल ऑफ, भाई ये क्लोरीन के टॉपिक में हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक एलिमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में भी है, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड इज रियोटो। तो देखो इसका करेक्ट आंसर, ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई थी, होना चाहिए था लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वे प्रोसेस हैज बीन कूल्ड ड्यूरिंग द मैनुफैक्चर ऑफ सोडा एश, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्लेलिस्ट से मैंने सॉल्व कराया था पूरा, इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट is my answer.